हेलो स्टूडेंट, आई एम पुष्पन धाकर एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी भोपाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बिल्कुल 15 से 20 दिन बाद या एक महीने बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोगों की जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करना है और एक किस तरीके से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स लूँगा, उस पॉइंट्स के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है, क्या पढ़ें? जी हाँ, क्या पढ़ें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी नया ना पढ़ें। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपको आता है और जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उसी को रिवाइज करें, अच्छे से वो ही पढ़ें, कुछ नया ट्राई ना करें। क्या पढ़ना है आपको? आपने जो भी अभी तक, जैसे आपका सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं मैथ्स, अगर मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैथ्स सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे? आपको जो सिंपल सिंपल टॉपिक जो आपको आते हैं, आप उनको पहले रिवाइज कर लीजिए। फिर दूसरा, इसके बाद जो आपको थोड़ा टफ लगते हैं, फिर आप उनको रिवाइज करिए। और तीसरा, बिल्कुल उनको बिल्कुल भी मत पढ़िए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। तो आपको क्या पढ़ना है? जो आपको आता है और जो आपको रिवाइज करना है, बिल्कुल भी न्यू ट्राई नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, कितने घंटे पढ़ाई करें। देखिएगा, कितने घंटे पढ़ाई करना, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई कोई 20 घंटे पढ़ता है तो कोई 15 घंटे पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, जितने भी घंटे पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से खुद डिसाइड करें कि आपको खुद पता है ना, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो कि आपने देखा कि भाई मेरे को 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो अभी मेरा कुछ हुआ ही नहीं। अब कुछ नहीं हुआ है तो भाई आपको पढ़ना है यार, 15-20 दिन बचे हैं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको टाइम डिसाइड करना रहे कि आप 2 घंटे आप मैथ्स पढ़ो, 2 घंटे साइंस पढ़ो, 2 घंटे आप अदर लैंग्वेज पढ़ो। इस तरीके से आप 2-2 घंटे का सिस्टम बनाओ। भले ही वो 10 घंटे हो रहे हैं, बट इसको आप पूरा टाइम देंगे आसानी से, तो आप आराम से 10 घंटे एटलीस्ट आपको घर पे देने पड़ेंगे। मैं ये घर की बात कर रहा हूँ, अगर आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो टाइम इसमें इंक्लूड ना करें। जैसे कि आप 10 घंटे कैसे, जैसे आप स्कूल से जो भी आपका 2-3 बजे का टाइम आप आ जाते होंगे, तो इसके बाद से टाइम चल जाए, 4 बजे के बाद से आपका टाइम चालू हो रहा है, तो 4 से मान के चलोगे आपको 12 बजे तक तो पढ़ना ही पढ़ना इस टाइम पीरियड में, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। जिसने बहुत अच्छा पढ़ा, जिसकी पूरी नोट्स प्रिपेयर हैं, एवरीथिंग रिवीजन भी एक बार हो चुका है, तो उसको कुछ नहीं करना, ज़्यादा हैवी नहीं पढ़ना है उसको, तो बस क्या क्या करते जाना है, उसको डेली अपना एक बजट टाइप का बनाना है पढ़ने का, कि एक कि भाई मैं इतने जो घंटे इसको रिवाइज करूँगा, इतने घंटे इसको रिवाइज करूँगा और इतने घंटे इसको रिवाइज करूँगा, बस इसमें हैवी लोड नहीं लेना है। जिसने पूरा रिवीजन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ रिवाइज करने से मतलब है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये जो होगा एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा। तीसरा पॉइंट है, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। जी हाँ, आपने अभी तक जो भी कर लिया, आप बुक्स से पढ़ाई करी है तो बुक्स को भी अब आप रख दीजिए, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनसे तो आपको पढ़ना है, बट अब आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। आपका जो काम है सैम्पल पेपर सॉल्व करें। आप सैम्पल पेपर सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं उठाया पेपर और पीछे उसका आंसर लिखा है और बस देखा और रख दिया पटक के, नहीं। सैम्पल पेपर ऐसे सॉल्व करो जैसे कि आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो। कैसे? आपने एक सैम्पल पेपर लिया, मैथ्स का लिया, फिजिक्स का लिया, केमिस्ट्री का लिया, साइंस का लिया, सोशल साइंस का लिया। मैं किसी एक प्रॉपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10th और 12th दोनों की ही बात कर रहा हूँ, तो आप इस दोनों के हिसाब से समझें। 10th वाले स्टूडेंट हैं वो 10th के हिसाब समझें, जो 12th वाले हैं वो 12th के हिसाब समझें। करना क्या है, आपको एक सैम्पल पेपर लेना है। सैम्पल पेपर आपने लिया और आपने अपना एक टाइमिंग लगाया, आपने टाइमिंग लगाया कि भाई कितने देर में आप वो पेपर सॉल्व कर। आपको जो पेपर सॉल्व कर रहा है इसमें आपको देखना नहीं कि मैं 3 घंटे में सॉल्व कर पा रहा हूँ, 4 घंटे में सॉल्व कर पा रहा हूँ, 5 घंटे में सॉल्व, आपको बस देखना है कि आप कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो। आपने देखा कि अगर इसमें आपको 4 घंटे लग रहे हैं या 3.5 घंटे लग रहे हैं, जो भी आपको टाइम 3 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, मतलब आप अपना जो सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का स्पीड लगाएं 2.5 घंटे का, अगर 2.5 घंटे से ज़्यादा आपको लग रहा है तो फिर आप फिर उसको सॉल्व करें, सेम पेपर को सॉल्व करें, जब तक सॉल्व करें उस सेम पेपर को, जब तक कि आपको उसमें 2.5 घंटे नहीं लगते। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट जितने भी सैम्पल पेपर आप उसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आप उसको 2.5 घंटे की स्पीड बनाइए कि आप 2.5 घंटे में वो पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा वो टफ आए, इजी आए, कैसा भी आए, आप उसको आसानी से 3 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। ये तो हो गई अपनी सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का तरीका। अब चौथे पॉइंट पर इसमें ये है, एग्ज़ाम में कैसे लिखें। देखो, एग्ज़ाम में लिखने का तरीका आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको सब कुछ आता है, एवरीथिंग आता है, हर चीज़ आपको आती है, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम में जो आपका लिखने का तरीका था ना, वो गलत था।
तो आपको जो एग्ज़ाम में लिखने का तरीका है ना, उसको आपको सही करना पड़ेगा, थोड़ा सुधारना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। लिखने का तरीका ये कि पहले आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ना करें। क्या होता है कि कैसे ना करें मैं बता दूँ। अगर आपको सभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सभी लाइन टू लाइन करो, बहुत बेहतर है, आपको 100 out of 100 मिलेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे वो उनको भले ही क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पूरे, लेकिन वो लाइन टू लाइन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होता है क्या होता है इसमें, ये है कि जब वो लाइन टू लाइन सॉल्व कर रहा होता है बच्चा, तो उसको जैसे थर्ड क्वेश्चन नहीं आया तो उसने थर्ड क्वेश्चन उतना स्पेस छोड़ देता है, और फोर्थ करता है, फिर फोर्थ फिफ्थ नहीं आया तो फिर स्पेस छोड़ दिया। तो इसमें होता क्या है, एंड में जब टाइम ही नहीं मिला या बचा नहीं तो वो स्पेस खाली रह जाता है। तो कई बार वो चीज़ें एक गलत इंप्रेशन ला देती हैं आपके जो एग्जामिनर रहता है, जो चेक करने वाला, जो आपका कॉपी चेक करता है बेसिकली टीचर जो रहते हैं, उसके ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है कि भाई ये क्या किया। तो आप क्या करेंगे, वो ही क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको आते हैं। तो जो आपकी हैंड राइटिंग है, आपकी हस्तलिपि जो है, वो आपकी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हस्तलिपि बिल्कुल कंप्यूटरकृत हो, बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड राइटिंग हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। मैं ये कह रहा था कि आप जो भी लिख रहा है वो आपके अलावा दूसरे लोग भी समझ पाए। मेरा कहने का मतलब ये कि आप साफ और स्वच्छ लिखें। राइटिंग मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बहुत अच्छी लिखो, आपको कहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा कि आप बहुत अच्छी राइटिंग लिखना है राइटिंग, लेकिन आपको साफ और स्वच्छ लिखनी, क्लियर दिखे, समझ में आए एक एक चीज़ कि हाँ इस बंदे ने ये लिखा है। इस तरह की कैलीग्राफी नहीं लिखना, बट आपको जमा कर भी नहीं, ऐसे नहीं लिखना कि बिल्कुल फूल लगाना है वहाँ पर, बट ऐसा लिखना है कि टीचर एटलीस्ट आराम से इजीली कोई भी व्यक्ति समझ पाए कि हाँ भैया इन्होंने ये लिखा है। तो राइटिंग अगर आपकी सही नहीं है तो आपने पूरा भी लिखा है तो भी मार्क्स आपको कम मिलेंगे, हो सकता है आपकी एवरेज मार्किंग हो जाए क्योंकि आपकी राइटिंग खराब है। तो राइटिंग आपको सही लिखना है। अब इसके बाद जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं तो देखो, मैथ्स का, फिजिक्स का, मैथ्स और साइंस लिखने का तरीका अलग होता है, और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इन लैंग्वेजेस को लिखने का तरीका अलग होता है। मैथ्स में तो ये होता है क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन का आंसर आएगा तो यहाँ पर एक लेंथ मायने नहीं रखती कि कितना छोटा और कितना बड़ा क्वेश्चन लिखना है। सोशल साइंस जो आपका साइंस है उसमें भी आपका जो लेंथ होती है, वो जो आंसर जो आपसे पूछा गया उसमें आप अलग से कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी आपको सिर्फ सोशल, आपको साइंस में ये ध्यान रखना है साइंस में कि आपको चाहे डायग्राम का बोलें अदरवाइज ना बोलें, बोलें चाहे ना बोलें, आपको डायग्राम अगर उसमें है तो आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, चाहे उस क्वेश्चन में लिखा हो विथ डायग्राम और चाहे नहीं लिखा हो विथ डायग्राम, तो भी आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम सोशल साइंस। सोशल साइंस थोड़ा डिस्क्रिप्टिव चलता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लिखें आप, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा उसको बढ़ाएं, थोड़ा अच्छा बड़ा लिखें, उसमें जो जो जितनी भी ईयर होती हैं, सन वगैरह होती हैं, वो आप सही लिखें। अगर जैसे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे 4 जुलाई 1976 आपको अगर कन्फर्म है कि ये 4th जुलाई है तो ही लिखें, अदरवाइज जुलाई 1976 भी आप लिख सकते हैं अगर प्रॉपर डेट नहीं मालूम है तो। लेकिन अगर प्रॉपर डेट लिख रहे हैं तो वो आपको एक बार कन्फर्म होना चाहिए कि हाँ ये यही डेट है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि अब सोशल में आपको पूरा बड़ा लिखना होता है, कोशिश ये रहे कि अच्छे से अच्छे सही लिखें। बड़े का मतलब ये नहीं हो जाता कि पूछा कुछ और लिख कुछ दिया है, आपको उसी से रिलेटेड जो बुक के हिसाब से आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको जो सोशल के जो आंसर है आप बुक से पढ़ेंगे तो उससे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हिंदी में और इंग्लिश में जो आपके लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी आपको थोड़ा अच्छा ही और अच्छा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पड़ता है, जैसे ऐसे हुआ वो भी आपको थोड़ा अच्छा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और आपको जो एप्लीकेशन होती है उनका फॉर्मेट का खास ख्याल रखते हुए आपको वो लिखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से नहीं लिखेंगे एप्लीकेशन या लेटर तो आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं, या फिर आपको वहाँ पे मार्क्स आपके कट भी सकते हैं कि भाई इन्होंने फॉर्मेट के हिसाब से नहीं लिखा है तो इनको मार्क्स नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये तो लिखने का एक तरीका हो गया, मैंने इसमें आपको राइटिंग भी समझा दिया कितना बड़ा क्वेश्चन लिखना है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो ये आप जब आपकी राइटिंग अच्छी लिखोगे और यहाँ पर आप जो क्वेश्चन की जो लेंथ है उस पर भी फोकस। अब तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे आते हैं कि भैया स्ट्रेस मत लीजिएगा। अगर आप किसी आपकी अगर प्रिपरेशन नहीं हुई है, आपका रिवीजन नहीं हुआ है, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप स्ट्रेस ना लें। कोई भी तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी 15-20 दिन भी बहुत होते हैं, 15-20 दिन मतलब मान लीजिए कि बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लास्ट में जब जिनने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं करी उनके लिए 15-20 दिन बहुत होते हैं।
तो आप कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं लें। और अगर आप अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है ना 15-20 दिन, इनमें आप वो सब आपको करना है, लेकिन आराम से हड़बड़ाहट के साथ नहीं। क्या होता है, बच्चे अधिकतर हड़बड़ाहट में, जैसे खाना नहीं खाते, नींद नहीं आ रही है, तो उससे स्ट्रेस आपको अगर आएगा, तो स्ट्रेस आएगा तो आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, भले ही आपका कुछ भी ना हुआ हो, अभी तो मैं कह रहा हूँ अगर जीरो पे भी हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको जाग जाना है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस आप लेंगे तो क्या होगा, आपके जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन करेंगे या जो भी आप करके देखेंगे जो भी चीज़ें, तो वो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, आपके दिमाग से बाहर चली जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको बस अपने जो माइंड को फ्रेश रखना है और अपने जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर भी आपको वर्क करना है, अच्छे से खाना पीना है, नींद भी पूरी लेना है, ताकि आपका जो स्ट्रेस अगर आपको ज़्यादा है तो उस स्ट्रेस को भी कम किया जा सके, और किसी भी चीज़ को आपको स्ट्रेस लेने का रिक्वायर्ड नहीं है। लास्ट बात, और ये बहुत ज़रूरी बात है, जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ के देख रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ पढ़कर ना देखें, उसको लिख लिख कर भी देखें। अगर आप लिख लिख कर देखते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें आपने उसको लिख लिख कर देखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगी। और प्रैक्टिस करें, उनको बार बार बोलें, फिर लिखें, बोलें लिखें, बोलें लिखें। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन है उसको आपने लिया और आया नहीं तो फिर कॉपी उठा के देख ली, ना, कोशिश करें कि मैं, जैसे एक एग्ज़ाम में आप लिखते हो ना, वैसे आप कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम में ही लिख रहे हो, उस हिसाब से लिखो। तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छी, वहाँ पे जब एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा कि आप थोड़ा याद करोगे, याद कर करके लिखोगे। तो इस तरीके से थोड़ा कम स्ट्रेस लें, राइटिंग अच्छी रखें, प्रैक्टिस करें कंटिन्यूसली, प्रैक्टिस वो भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, तो आपका जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे वो बहुत बढ़िया आएंगे, बिना हेडेक के आएंगे, बिना टेंशन के आएंगे। ठीक है, अभी 2-4 दिन के लिए टिकटॉक भी बंद कर देना, यूट्यूब ज़रूर देख सकते हैं आप, बाकी टिकटॉक वगैरह जो अभी जो हैं आपके सोशल मीडिया चीज़ें हैं वो सब आप थोड़ी भी बंद कर देना, ताकि आपका माइंड इधर से उधर, उधर से इधर ना हो। तो इसी के साथ आपके सभी के लिए, एग्ज़ाम के लिए आपको सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें और डरें नहीं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।